साध संगत जी गुरु साहब ने गृहस्थ मार्ग अपना के वो रस्ता दसिया सारी दुनिया नू भी घर दे विच रह के भी परमात्मा नू मिलिया जा सकता है। नहीं तो यह ख्याल बन गया सी भी जे रब नू मिलना है तो घर बार छड़ो जंगलों पहाड़ों जा के तपस्या करो। रस्ता तो वह भी ठीक है, उसकी निंदा नहीं की महाराज ने, पर महाराज ने आख्या जे सारे ही उस रस्ते चल पे आखो श्री वाहेगुरु सारी दुनिया ही मान लो घर छड के तुर पवे ते 50 साल नू इत्थे दुनिया ते रहना कहने है। परमेश्वर ने दुनिया बनाई है, जे साडे माँ बाप ना होंदे असी कित्थों जन्म लेना सी। गोरखनाथ जी, इंद्रनाथ जी, जलंधरनाथ जी, भगंदरनाथ जी, बड़े बड़े महापुरश साधु ब्रह्म ज्ञानी होए ने योग मत विच। ये नहीं कि उन्हां दी कमाई कोई घट सी, उन्हां दी बहुत वड्डी बंदगी सी, परंतु उन्हां दा रस्ता सारे बंदे अख्तियार नहीं सी कर सकते, सारे उस राह ते चल नहीं सी सकते। सच्चे पातशाह ने ऐसा राह दस्या, गृही महे उदास, घर दे विच रह के उदास रहना। दो बंदे घर छड जाणगे, 10 बंदे घर छड जाणगे, जे 100 दे 100 छड गए फिर दुनिया तां उजड़ जाएगी। महाराज ने धरती धर्मशाल बनाई है, इस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। ये धरती दे उत्ते धर्म कमाणा सी आ के आपां, ते जे आपां धर्म कमाणा सी तां गुरु ने दुनिया बनाई है, थापी है, उहदे विच इस्त्री पुरुष दा जोड़ा बनाया, गृहस्थ बनाया, उहदे नाल संसार अगे तोरिया। जिन्ने रिशि मुनि महापुरश अवतार अज तक होए ने सब गृहस्थियां दे घर जन्म लिया है। इस करके सतगुरु जी ने गृहस्थ प्रधान कह के आप गृहस्थ धर्म धारण किया है।